Now we are going to start next exercise 7.3 of area. Find the area of triangle whose vertices are 2, 3, minus 1, 0 and 2, minus 4. Iske vertices ko hum x1, y1, x2, y2, x3, y3. Now, area of triangle का हमें formula पता है. Area of triangle ABC is equals to half modulus of x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2. मॉडुलस का साइन हमने इसलिए लगाया क्योंकि एरिया हमेशा जो है पॉजिटिव होगा, नेगेटिव में नहीं होगा. तो इसके अंदर जो भी टर्म अगर नेगेटिव की आती है मॉडुलस लेंगे तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा. नाउ पुट द वैल्यूज. x1 इज 2, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 minus y2. Now 2 minus minus plus 4 minus 1 minus 7 plus 2 into 3. Kya aaya hamare paas? Half 2 into 4 8 minus minus plus 15 plus 6 21 by 2 square units. एरिया है तो इट विल बी इन स्क्वायर यूनिट. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 21 बाय 2 स्क्वायर यूनिट. सिर्फ हमने फार्मूला में जो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल उसमें वैल्यूज पुट करनी है एंड देन सॉल्व. नाउ नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट्स में हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन क्या है. -5 minus 1, 3, minus 5, 5 and 2. These are the coordinates given. Area find karna hai formula mein. Apply karenge values. x1 is minus 5, y2 minus y3 plus x2, y3 minus y1 plus x3, y1 minus y2. ये आ गई हमारे पास वैल्यूज. 1/2 माइनस 5 माइनस 7 2 माइनस माइनस प्लस 1 3 5 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 5 5 माइनस 1 इज 4. सो 1/2 7 इंटू 5 35 प्लस 9 प्लस 20. 1/2 35 प्लस 29 64. So half of 64, that is 32 square units. So area of triangle ABC with the given vertices is 32 square units. Next में क्या है. Second में हमें कहा है in each of the following find the values of K for which the points are collinear. हमने 7.1 में करा था points are collinear means एक ही line में point है. लेकिन अगर हमें एरिया से प्रूफ करना है पॉइंट्स को लीनियर हमें गिवन है इट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज जीरो. राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट पार्ट ए 7-2 बी 5-1 एंड सी 3-k. कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 x2 y2 x3 y3. Since ABC are collinear, therefore area of triangle ABC is equal to 0. अब हम area of triangle का formula apply करेंगे. Half x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. That will be equal to 0. Now put the values. x1 y2 minus y3 plus x2
y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 equals to 0. Half 7 minus 7k plus 5k minus minus plus 2. 5 into 2 is 10. Minus 3 into 3 is minus 9 is equals to 0. Kya aaya hamare paas? 7, 10 plus 7 is 17 minus 9 plus k 8 minus 7k plus 5k minus 2k or 0 into 2 that will be equal to 0. तो हमारे पास मॉडुलस में है तो 8 minus 2k is equals to 0, 8 is equals to 2k, तो k की वैल्यू आई 4. जब k की वैल्यू 4 होगी तो these vertices are collinear, एक ही लाइन में होंगे. अगर हमें एरिया के मेथड से प्रूफ करना है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन देयर एरिया विल बी इक्वल टू 0. यहां हमें गिवन है कि पॉइंट्स कोलिनियर है, इसलिए हमने एरिया को 0 के इक्वल रखा और k की वैल्यू फाइंड की. k की वैल्यू 4 के लिए एरिया जो है, जो पॉइंट्स हैं, कोलिनियर होंगे. नाउ नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट. सेकंड में हमें क्या कोऑर्डिनेट्स गिवन है? 8 1k -4 2 minus 5. Put the values. Half of x1 8, y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. Half 8 minus minus plus 5. 5 minus 4 is 1 minus 6k plus 2 into minus minus plus 4 plus 1 5. 5 into 2 is 10. क्या आया हमारे पास? 1 by 2 इस साइड जाएगा, 0 हो जाएगा. 18 minus 6k is equals to 0. So 18 is equals to 6k और k की वैल्यू आई 3. So k 3 के लिए जो पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर होंगे. हमने जैसा कि कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे, हमें पॉइंट्स कोलिनियर गिवन है, इट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा. एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू फाइंड की, उसे 0 के इक्वल रखा तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई. नोट इट डाउन.